अब जब से मैंने फायर और इलेक्ट्रिक एलिमेंट पे एक वीडियो मैंने बना दिया था, तभी से यार मुझे बहुत सारे कमेंट आने लगे कि भाई तू ये एलिमेंट पे वीडियो बना, ये एलिमेंट पे वीडियो बना। तो उसमें से ही एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था, भाई आइस एलिमेंट वर्सेस इलेक्ट्रिक एलिमेंट पे वीडियो लेके आओ। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अब मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को कमेंट पे वीडियो नहीं बनाया, तो कोई ना यार, इस वीडियो के कमेंट से कमेंट कर देना, क्योंकि यार एक साथ इतने सारे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। पर यार आपको भी समझना पड़ेगा, और प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट कर देना, तो शायद नेक्स्ट वीडियो आपका भी टॉपिक पे हो सकता है। तो आइस एलिमेंट्स में मैं जो एलियन लेने वाला हूँ वो एलियन है बिग चिल, आर्टिकुआना और आईगाई। इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स से जो एलियन लेने वाला हूँ वो है फीडबैक, फ्रैंकनस्टाइन और एम्फीबियन। अब बहुत लोग यार मुझे इसके पहले वाले वीडियो में कह रहे थे, भाई तूने तो फीडबैक को नहीं लिया और फ्रैंकनस्टाइन को भी नहीं लिया। हाँ, तो आप सभी लोगों को बता दूं कि उस वीडियो मैंने फीडबैक को इसलिए नहीं लिया क्योंकि यार मैं तीन एलियन के ऊपर मैंने पहले ही बना दिया था वीडियो, और बहुत सारे एलियन पे लेता तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती, इसलिए मैं तीन तीन एलियन को ही ले रहा हूँ। तो चलो कोई ना, इस वीडियो में मैंने ले लिया है आप सबके फेवरेट फीडबैक को। वैसे मेरा भी ये फेवरेट एलियन में से भी एक एलियन है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं आइस एलिमेंट्स की। तो आइस एलिमेंट में सबसे पहले जिस एलियन की बात करूँगा वो है बिग चिल। अब बिग चिल को तो हमें सबसे पहले बेंटन एलियन फोर्स में दिखाया गया था, और बिग चिल को तो आप लोग जानते हो कि उसकी यार आइस ब्रेथ कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है, और वो बहुत जल्दी आइस में कन्वर्ट हो जाती है। और बिग चिल जब भी इंटेंजिबल होकर किसी के भी आर पार निकलता था तो वो तुरंत सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाता था। और बिग चिल बहुत ही अच्छे से इंटेंजिबल भी हो सकता है, और इसके पास काफ़ी ज़्यादा शार्प क्लोज भी होते हैं, और बिग चिल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फ्लाई भी कर सकता है। तो चलो बात करते हैं आइस एलिमेंट के सेकंड एलियन के ऊपर। तो आइस एलिमेंट का जो सेकंड एलियन है वो है आर्टिकुआना। अब आर्टिकुआना को तो हमें सबसे पहले बेंटन क्लासिक में दिखाया गया था, और सच में यार जो ये आइस बीम फेंकता है वो यार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। इसकी आइस बीम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, और ये किसी को भी बहुत ही इंस्टेंट फ्रीज कर देता है। ये हमने ये भी देखा है कि आर्टिकुआना जमीन में आइस बीम फेंक के काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जंप भी कर लेता है बहुत ही, और आर्टिकुआना किसी भी वॉल वाले सरफेस से बहुत ही आसानी से चल सकता है अपने क्लोज की मदद से। और हमने एक बार ये भी देखा था कि आर्टिकुआना ने एक बार बहुत ही ज़्यादा गर्म गर्म लावा को भी पूरे एक ही बार में जमा दिया था, और उसको पूरा सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया था। तो इससे ही पता चलता है कि इसकी आइस बीम कितनी ज़्यादा पावरफुल है। थर्ड एलियन के ऊपर हम बात करते हैं, थर्ड एलियन जो हमारा है वो है आईगाई। अब आईगाई को तो हमें सबसे पहले बेंटन क्लासिक में दिखाया गया था, और सही में यार ये एलियन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं लगा था बाकी सब एलियन से। कि पावर रिवील की गई तो यार ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। हाँ, तो आई गाय के बॉडी में टोटल 17 आइज होती है। हाँ, तो आई गाय काफ़ी सारी अपने आइज से अटैक कर सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बीम कर सकता है, फायर ब्लास्ट कर सकता है, फ्रीज रेस कर सकता है, फिर इलेक्ट्रिकल बीम फायर कर सकता है, और इसका सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक स्ट्रॉन्ग ऑप्टिक बीम, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है इसका। तो यार मैंने आपको आइज एलिमेंट के सारे एलियन के बारे में बता दिया। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स में। तो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स में सबसे पहले जिस एलियन के बारे में बात करेंगे वो है एम्फीबियन। अब एम्फीबियन को तो हमें सबसे पहले बेंटन अल्टीमेट एलियन में दिखाया गया था, और ये भी उन पांचों एलियन में से भी एक एलियन था जिसे एग्रेगर ने पकड़ा था, और ये एलियन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियन में से भी एक एलियन था जिसके पास इलेक्ट्रिक अटैक होते हैं। और एम्फीबियन अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच भी कर सकता है, और एम्फीबियन लाइट्स वेव भी फेंक सकता है, और ये एलियन बहुत ही आसानी से फ्लाई भी कर सकता है, और इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये इंटेंजिबल भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स के सेकंड एलियन के ऊपर। इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स का जो सेकंड एलियन है वो है फ्रैंकनस्टाइन, और फ्रैंकनस्टाइन को हमें सबसे पहले बेंटन क्लासिक में दिखाया गया था, और इस एलियन की भी इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, और ये जब भी इलेक्ट्रिक अटैक करता है तो ये अपने दोनों एंटीनास की हेल्प से ही इलेक्ट्रिक अटैक करता है, और फ्रैंकनस्टाइन अपने एंटीनास की मदद से इलेक्ट्रिक बीम भी फायर कर सकता है, और फ्रैंकनस्टाइन काफ़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची जंप भी लगा सकता है, और फ्रैंकनस्टाइन की काफ़ी ज़्यादा स्पीड भी होती है, और फ्रैंकनस्टाइन अपने एंटीनास की मदद से किसी भी इलेक्ट्रिक अटैक को रोक के सामने वाले एनिमीज पे भी फेंक सकता है, और फ्रैंकनस्टाइन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से अपनी इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक एलिमेंट के थर्ड एलियन के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक एलिमेंट का जो थर्ड एलियन है वो है फीडबैक। अब फीडबैक को कैसे भूल सकते हैं यार, ये इलेक्ट्रिक एलिमेंट में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियन में से भी एक एलियन है जिसके इलेक्ट्रिक अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। और आपको पता होगा कि फीडबैक अनलिमिटेड टाइम इलेक्ट्रिक एनर्जी या किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सामने वाले एनिमीज पे फेंक सकता है, और फीडबैक लाइटनिंग वेव्स भी बना सकता है। फीडबैक अपने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से फ्लाई भी कर सकता है, और फीडबैक और ये बेंट टेंशन के एलियन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, और फीडबैक इलेक्ट्रिक बॉल बना के किसी के ऊपर भी फेंक सकता है,
और ये एलियन काफी ज्यादा ऊंची ऊंची हाई जंप भी मार सकता है और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा मेन बात कि ये बेन टेनिसन का फेवरेट एलियन में से भी एक एलियन है। तो चलो यार, मैंने आपको इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स के भी तीनों के बारे में बता दिया, तो हम बात करते हैं कि अगर इन लोग के बीच फाइट होगा तो कौन विन करेगा इस मैच को। तो चलिए गाइस, सबसे पहला बैटल करते हैं आई गाय वर्सेस फीडबैक के, कि इन दोनों के बीच फाइट होगा तो कौन जीतेगा। तो इन दोनों के बीच में अगर फाइट हो तो मेरे हिसाब से फीडबैक इस मैच को विन कर सकता है, क्योंकि फीडबैक के पास बहुत ही ज़्यादा स्पीड है और वो आई गाय के काफ़ी सारे अटैक से बच सकता है। और अगर आई गाय का कोई भी अगर अपना बीम फायर करता है तो वो उस बीम को अपने एनर्जी से अब्जॉर्व करके उसके ऊपर इलेक्ट्रिक अटैक कर देगा, जिससे आई गाय बहुत ही आसानी से हार जाएगा। तो चलिए सेकंड फाइट करते हैं। सेकंड फाइट हम करेंगे आर्टिकुआना वर्सेस एम्फीबियन के बीच में। अब इन दोनों के बीच में फाइट होगा तो मेरे हिसाब से अगर इन दोनों के बीच में फाइट होगा तो यार इसके दो कंडीशन होंगे, कभी ये भी जीत सकता है वो भी जीत सकता है। जिसका पहले अटैक लग जाए वो विन कर जाएगा इस मैच को, क्योंकि आपको ही पता है कि आर्टिकुआना के आइस बीम कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। और आपको ये भी मालूम होगा कि एम्फीबियन अगर इसके ऊपर पहले अगर अटैक कर दिया तो ये बहुत ही आसानी से हार सकता है, तो वो सिचुएशन के हिसाब से कोई भी इस मैच को विन कर सकता है। इसलिए मैं इस मैच में किसी को भी विनर नहीं, ना ही मैं आर्टिकुआना को इस मैच का विनर बता रहा हूँ ना ही एम्फीबियन को, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर जिसका पहले अटैक लगा वो इस मैच को विन कर जाएगा। तो चलिए लास्ट फाइट की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट फाइट होगा अपना बिग चिल वर्सेस फ्रैंकनस्टाइन का। अब आप लोग को तो पता है यार, इन दोनों के बीच फाइट होगा तो आराम से यार बिग चिल इस मैच को विन कर जाएगा, क्योंकि बिग चिल के पास है इंटेंजिबिलिटी, जिसका ये यूज करके बहुत ही आसानी से फ्रैंकनस्टाइन को हरा देगा। क्योंकि जब ये इंटेंजिबल होगा तो फ्रैंकनस्टाइन इसको कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो आराम से बिग चिल इसको हरा देगा और उसको आइस में कन्वर्ट कर देगा और इसको एकदम स्टैचू जैसा बना देगा। तो दोनों ही एलिमेंट के एक एक पॉइंट हो गए हैं, आइस एलिमेंट के भी एक पॉइंट हो गए हैं और इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स के भी एक पॉइंट हो गए हैं। और मैंने सेकंड मैच को ड्रॉ कर दिया था, ना ही इसको विनर बनाया ना ही उसको विनर बनाया, पर यार किसी तो एक को विनर बनाना ही पड़ेगा। तो जो दोनों मैच से विन किए तो उन दोनों के बीच में फाइट करता हूँ। फर्स्ट मैच में अपना फीडबैक विन कर गया था और थर्ड मैच में अपना बिग चिल विन कर गया था। और अगर इन दोनों के बीच में फाइट होगा तभी भी यार बिग चिल इस मैच को विन कर जाएगा। अब फीडबैक चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, चाहे कितना भी फ्लेक्सिबल हो, बिग चिल के पास एक पावर है जिससे वो बहुत ही आसानी से इनसे हरा सकता है, इंटेंजिबिलिटी, जिसका यूज करके आराम से बिग चिल फीडबैक को भी हरा देगा और फीडबैक का इसके ऊपर एक भी अटैक काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये इंटेंजिबल रहेगा। मेरे हिसाब से आइस एलिमेंट आराम से इस मैच को विन कर जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आइस एलिमेंट विन कर गए हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को पसंद आने प्लीज इस वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक। तो चलिए आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट है 600 लाइक। हाँ, ये मुझे पता है बहुत ही छोटा लाइक है, मतलब कोई भी ज्यादा लाइक है नहीं है। तो जल्दी जाओ इस वीडियो को एक लाइक करो और 600 लाइक कंप्लीट करो। और बेंटन की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करते समय उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे गाइस आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे और भी अपने एलिमेंटल सीरीज पे कमेंट कर सकते हो कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस एलिमेंटल सीरीज पे लेके आना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस बाय बाय।